एक सक्सेसफुल पर्सन ने सही बोला था कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। ये स्टेटमेंट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने दिया था। बिल गेट्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस एक बिजनेस से बाहर हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस करियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक जॉब वर्किंग प्रोफेशन में है या फिर कोई बिजनेस करने की प्लानिंग में है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको आज ही एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और 6 ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जिसको करके लोग लाखों की इनकम तक कर रहे हैं। और आप भी उन्हीं ऑनलाइन बिजनेस आइडिया में से किसी एक बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट करके आज से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ताकि हमारे अगले कॉन्टेंट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। तो आशा करता हूँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। तो चलिए इस को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिल गेट्स भी यही कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन में नहीं है तो आपका बिजनेस कहीं भी नहीं है या फिर आपका बिजनेस एक बिजनेस से बाहर हो चुका है। अब शायद आपके मन में सवाल होगा कि बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल पर्सन ये क्यों कहते हैं। दोस्त, उन्हें पता है कि आजकल डिजिटल का जमाना है, सब कुछ डिजिटल में शिफ्ट होने जा रहा है। हमारे इंडिया में ही देखिए, जियो के आने के बाद इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते हुए इंटरनेट यूजर्स के साथ अगर आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं किया तो हो सकता है आपका बिजनेस भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अब आते हैं उन 8 रीजंस की तरफ। ऑनलाइन में बिजनेस स्टार्ट करने का पहला रीजन है लो कैपिटल। जी हाँ, आपको एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना होता है और बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट की जरूरत होती है और उसके साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर आपका डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ आपको वेबसाइट बनाने में ही इन्वेस्ट करना होता है, वो भी बहुत कम पैसे में एक वेबसाइट तैयार हो जाता है। और अगर आप फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप हैशटैग डिजिटल एजेंसी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, टाइम फ्रीडम। आप माने या ना माने लेकिन बहुत कम लोगों को ये टाइम फ्रीडम मिल पाती है। बहुत सारे लोगों को लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाती है लेकिन उनको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में टाइम फ्रीडम मिलता है। बहुत सारे लोग इसी रीजन की वजह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रीजन नंबर 3, चॉइसिंग योर ओन लोकेशन। ऑनलाइन बिजनेस में ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है, आप चॉइस कर सकते हो कि आप कहां से वर्क करना चाहते हो। किसी भी जगह से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस में आपका कोई ऑफिस नहीं होता, आप अपने बिजनेस को घर से भी रन कर सकते हैं। रीजन नंबर 4, ह्यूज इनकम एंड ग्रोथ पोटेंशियल। दोस्त, ऑनलाइन बिजनेस में ना आप रेगुलर इनकम के साथ ही साथ आप पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम का सिस्टम है जिसको करने के लिए आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप एक सिस्टम बिल्ड कर देंगे, इसके रिगार्डिंग आपको महीने के महीने आपको एक पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाता है। एक पैसिव इनकम ऑफलाइन बिजनेस से भी पॉसिबल है लेकिन ऑनलाइन बिजनेस से आपको एक ह्यूज ग्रोथ मिलने वाला है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन नंबर 5, 24/7 सर्विस। ये तो कभी भी ऑफलाइन बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को ही मिलता है क्योंकि ऑनलाइन में ही पॉसिबल है 24/7 सर्विस देना। रात के 2 बजे भी अगर आपको कुछ खरीदना होता है तो आप Amazon या फिर Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं क्योंकि ये सारे बिजनेसेस ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है। रीजन नंबर 6, लेस एक्सपेंसेस। बेसिकली एक ऑफलाइन बिजनेस के मुकाबले एक ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम समझ लेते हैं कि एक ऑफलाइन बिजनेस के मुकाबले एक ऑनलाइन बिजनेस में एक्सपेंसेस भी बहुत कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेसेस में ना के बराबर एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन जो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं उनको रेंट देना पड़ता है महीने के महीने, उनको सैलरी देना पड़ता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है और भी अदर एक्सपेंसेस उनको देना होता है। रीजन नंबर 7, नो बॉस। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे काम है जिनको आप खुद कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी बॉस नहीं होगा। आपके टाइम के अनुसार आप अपना काम वहां पर कर सकते हैं, कोई भी गाली गलौज या फिर रोकने टोकने वाला बॉस नहीं होगा। रीजन नंबर 8, रीच आउट टू मोर पीपल।
यू पिल्स। ऑनलाइन में बिजनेस करने का ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है, आप घर बैठे मिलियंस ऑफ लोगों के साथ काम कर सकते हैं। हर एक स्टेट और हर एक कंट्री में आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो आप ऑनलाइन बिजनेस में आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप ऑफलाइन बिजनेस में कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्त यही थे वो 8 रीजन जिसकी वजह से आपको आज ही एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडिया के बारे में। इन 6 बिजनेस आइडिया में से आप एक बिजनेस आइडिया सिलेक्ट कीजिए और आज से ही अपना काम स्टार्ट कीजिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। हम हमारे इस प्लेटफॉर्म में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आप इन वैल्यूएबल कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे लिस्ट में जो ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया है वो है ऑफिस लिस्ट एजेंसी। शायद ये वर्ड आपने बहुत ही कम सुना होगा। ऑफिस लिस्ट मतलब आप अपना बिजनेस घर से भी रन कर सकते हैं। इस बिजनेस का सिंपल सा फंडा यही है कि आप ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ऑनलाइन में ग्रो करवा सकते हैं। ऑफिस लिस्ट बिजनेस आइडिया के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उस वीडियो को देख के ऑफिस लिस्ट बिजनेस आइडिया को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों उस वीडियो से मिलने वाले जानकारियों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प मिल सके। हमारे ऑनलाइन बिजनेस आइडिया के लिस्ट नंबर 2 पर है स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग बिजनेस। शायद इस वर्ड को बहुत लोगों ने सुना होगा। फ्रीलांसिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप, इसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप 2 डिफरेंट तरीके से फ्रीलांसिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला सबको पता होगा अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसिंग, इन सारे वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके वहां पर आप अपना सर्विस दे सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अपना खुद का एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट क्रिएट कीजिए जहां पर आप कस्टमर को डायरेक्टली सर्विस दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी भी एक स्किल में माहिर होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक स्किल में माहिर नहीं है तो हो सकता है आपको इनिशियली कस्टमर मिल जाए लेकिन आपको एंड में कस्टमर नहीं मिलेंगे। तो दोस्त इसीलिए 2020 की डिमांडिंग स्किल्स को सीखिए। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 3 ई लर्निंग बिजनेस मॉडल। अगर आप फेसबुक यूट्यूब हमेशा यूज करते हैं तो आपको लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला होगा, वो सारे ई लर्निंग बिजनेस मॉडल पे है। और ई लर्निंग बिजनेस से लोग महीने की लाखों की इनकम तक कर रहे हैं। बेसिकली ई लर्निंग बिजनेस होता क्या है, अगर आपके पास एक डिमांडिंग स्किल है और उन स्किल्स को आप लोगों को ऑनलाइन में सिखाना चाहते हैं उसी बिजनेस मॉडल को हम ई लर्निंग बिजनेस मॉडल कहते हैं। अगर आपको ई लर्निंग बिजनेस के ऊपर और भी जानकारियां चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे देंगे। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 4 एफिलिएट मार्केटिंग। शायद इस बिजनेस मॉडल को भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम इस चैनल पे बहुत ही यूनिक तरीके बताते हैं बिजनेस करने के। ज्यादातर लोग आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन का रास्ता दिखा देंगे, लेकिन आप बहुत सारे तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है इंस्टामोजो, आप वहां पर रजिस्टर कीजिए, वहां पर आप ई बुक, ई लर्निंग कोर्सेस और भी बहुत सारी चीजें बेच के वहां पर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या आपको पता है आप डोमेन होस्टिंग ये सारी चीजें भी सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ उस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है लेकिन उस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। नंबर 5 है स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस विद Amazon और Flipkart। दोस्त ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। आशा करता हूँ आपको ई-कॉमर्स बिजनेस क्या है इसके रिगार्डिंग नॉलेज होगी। आप अपना प्रोडक्ट Amazon और Flipkart जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि क्या हम अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास इनिशियली कोई भी कस्टमर नहीं होंगे। तो समझदारी इसी में है कि आप उनका कस्टमर बेस यूज करके आप अपना प्रोडक्ट सेल करके आप अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएं तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट आए तो इसके ऊपर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। एंड फाइनली नंबर 6 पर है स्टार्ट योर करियर ऑन यूट्यूब। इसके बारे में सबको पता है, आजकल तो घर घर में सबको यूट्यूबर बनना है। लेकिन दोस्त मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं फ्यूचर में। आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि दोस्त फ्यूचर में सब कुछ डिजिटल तो होने ही वाला है, उसके साथ लोग ज्यादा वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो इसीलिए इस बिग अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस करियर को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्त यही थे वो 6 बिजनेस आइडिया जिसको आप आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्त ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए तो सब्सक्राइब
बटन को क्लिक करके साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे अगले कंटेंट के जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, तो फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस करियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।